मैं सिर्फ अंजलि की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। और युवराज को घर का दामाद बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? कुछ बुरा तो नहीं है इसमें? मेरे लिए मेरा स्वाभिमान और मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और अगर मुझ पर कोई उंगली उठाए तो ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। घर में आप लोग मेरे से रिश्ते के लिए दबाव डाल रहे हैं। अवंतिका भाभी, मुझे आपसे बात करनी है, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ प्लीज। भाभी मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं मुझे लेकर, बहुत सारी शंका है। ऐसी कोई बात नहीं है युवराज, बैठो ना, आओ। नहीं भाभी रहने दीजिए। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको मेरे लिए कोई भी शंका नहीं है, लेकिन भाभी मुझे पता है आप मेरे बारे में जांच पड़ताल करवाना चाहती हैं। नहीं युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी जी आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होइए, आपने जो भी कहा वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। भाभी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपके मन में मुझे लेकर कोई भी डाउट रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी जांच पड़ताल हो वो आप ही करें। मैं जांच पड़ताल कर जी, और मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा। क्या हुआ भाभी, आप थोड़ा सा परेशान लग रही हैं। मैं चलता हूँ, लेकिन आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। युवराज जी, मैंने सुना कि सिद्धार्थ ने आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हाँ कर दी। हाँ जी, लेकिन भाभी मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन्हें बहुत बार मना करने की कोशिश की, उन्हें मैंने समझाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों के रिश्ते में कोई दरार पैदा हो, लेकिन भैया जिद करने लगे और कहने लगे कि मैं आज ही जाकर पार्टनरशिप के पेपर्स बनवा कर ले आऊंगा। मैं चलता हूं।
है, इसकी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है। लगता नहीं कि कोई धोखा कर रहा है, पर जो बिंदिया बता कर गई है उसका क्या? ये क्या कर रही है सब? छोड़ो वो सब, ये देखो बाजार से घड़ी लेके आया हूँ। ये चलती नहीं, खाली दिखती है। मतलब आप ही की तरह है वो। चुप रहो, तुम जाके पानी लाओ एक गिलास। बाप रे बाप। सुनो, ठंडा पानी लाना। अरे पानी पानी छोड़िए, आप मिठाई खाइए, मिठाई। अरे खाइए खाइए। दीदी ने युवराज से रिश्ते की बात की और युवराज ने हाँ भी कर दी। अरे पहले खा लीजिए, बाद में बोलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि ये सब हुआ कैसे अचानक? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब कुछ अचानक हो गया। देखो दामाद तो बेटा ही होता है ना, तो तुम हमारे दामाद बन जाओ। आपने मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन लेकिन क्या तुम्हें हमारी अंजलि में कोई कमी लगती है? आंटी जी आप कैसी बात कर रही हैं? अंजलि जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती। तो फिर हाँ करो और मिठाई खाओ। तो फिर मिठाई खाइए ना। मतलब जीजी ने जीजा जी से बिना पूछे सब कर दिया? बिना पूछे क्या, उस वक्त तो जीजा जी घर पर भी नहीं थे। जीजा जी मुझसे कह रहे थे, अभी हम लोग बाजार गए थे ना जहाँ से ये घड़ी लाया हूँ, मुझसे कह रहे थे कि अवंतिका की बात दीदी को माननी चाहिए, उसको जो है युवराज के बारे में सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उन्हें क्या पता था यहाँ सारा कांड हो गया। और अगर पता भी होता तो भी वो क्या कर लेते। हाँ अब देखो आपकी दीदी का स्वभाव तो आप जानते हैं, यही बात अगर जीजा जी ने कही होती तो वो थोड़ा सा सोच लेती। तो ये बात किसने कही है? अवंतिका ने। अब तो वो किसी की नहीं सुनने वाली, बल्कि वो तो उसका उल्टा ही करेगी। करेंगी नहीं, कर दिया। अरे मैं तो भूल ही गई, और एक खुशखबरी है, मिठाई खाई। एक मिनट, एक और खुशखबरी है? हाँ हाँ। अरे तो एक ही बार बता दो ना, इस बंद कमरे में गला घोटोगी, क्या बार बार बता। बताती हूँ बताती हूँ, सिद्धार्थ ने युवराज के साथ पार्टनरशिप के लिए भी हाँ कर दी है। सत्यानाश, ये भी कोई खबर? तुम अपने दिमाग से बताओ ये बुरी खबर है या अच्छी खबर? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात, युवराज बहुत ही तेज और चालाक लड़का है। वो तो है, क्योंकि वो जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं, और जैसा वो है वैसा वो दिखता ही नहीं। खैर हमें क्या करना है, हमें तो तेल देखना है और तेल की धार देखनी है, और जिधर बहाव ज्यादा हो उधर बह जाना। लेकिन इस बात को लेकर दीदी और जीजा जी के बीच जमकर बहस होगी। वो तो होनी है, वो तो होनी है, लेकिन जीजा जी पता नहीं क्या हो गया, वो पहले वाले जीजा जी नहीं रहे, हर बात पे बहस करना शुरू कर दिए। कुछ अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? तुम चार दिन इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या किया मैंने? आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने कोई गजब कर दिया। अरे मैंने जो कुछ किया ठीक किया। शारदा मैं मानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, मगर जिद्दी भी बहुत हो, पर कभी कभी तुम्हारी जिद ना तुम्हारी अकल के ऊपर हावी पड़ जाती है। क्या मतलब है आपका? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मतलब ये है कि हर बात के बीच में अहम घुसाना जरूरी नहीं होता, ईगो को लाना जरूरी नहीं होता। ये अंजलि की खुशियों का सवाल है, इसके लिए सामने वाले का घर बार देखना जरूरी है। आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं है? अरे मैंने जो कुछ भी किया है अंजलि की खुशी के लिए किया है। आपको अंदाजा भी है कि अंजलि युवराज से कितना प्यार करती है, और अगर हम ऐसे में युवराज पर शक करके इस रिश्तों को कुछ दिनों के लिए टाल देते तो क्या अंजलि दुखी नहीं होती? एक बात बताओ, चार दिन का दुख बड़ा होता है या जिंदगी भर का? तुमसे सिर्फ यही कहा था ना कि रिश्ते से पहले युवराज के घर बार का पता कर लो, इसमें क्या हो रही? देखिए
इंसान कैसा है उसके चेहरे से ही पता लग जाता है। और फिर युवराज इतने दिनों से इस घर में है। अच्छा ठीक है, आपको मेरी नजर पर भी भरोसा नहीं है क्या? अगर इंसान के चेहरे से उसकी असलियत का पता लग जाए ना, तो दुनिया में कोई किसी से कभी धोखा ना खाए। यही आप में कमी है, अकल की बात करो तो आप सुनने को तैयार ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की अकल पर तो भरोसा है कि वो भी नहीं। क्या मतलब? अरे वो भी मानता है कि युवराज एक अच्छा लड़का है, शरीफ है, और आज ऑफिस जाने से पहले युवराज से पार्टनरशिप के लिए हाँ बोल कर गया है। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता देती है कि युवराज को अच्छी तरह पता है कि अवंतिका उस पर शक करती है, इसीलिए युवराज इस रिश्ते के लिए मना कर रहा था और हमारे बार बार कहने से उसने हाँ कहा। ऐसे आदमी पे कैसे कोई शक कर सकता है? मंजिल के नजदीक पहुंच गया हूं, बस कुछ दिन की बात और फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। क्या कर रहे हो? वापस दो मुझे। शौक तो तुमने मुझे दिया, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं, मैं अचानक से डर गया और मैंने अपने आपा को बैठा। सॉरी। हाँ लेकिन लॉकेट में ऐसा क्या है? मैंने तुम्हारे हाथ से ले लिया तो तुम ऐसे क्यों डर गए? अंजलि, सब चीजों का एक सही वक्त होता है, सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, और सही काम अगर सही वक्त पर हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस लॉकेट के बारे में बताने के लिए आज से बेटर टाइम कब होगा युवराज? तुम इस तरह से मुझ पर चिल्लाए, मैंने तुम्हारा ये रुख कभी पहले नहीं देखा। मुझे डर लग रहा है तुमसे। डर लग रहा है मुझसे? ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरी मंगेतर को मुझ पे गर्व होना चाहिए पर उसे मुझसे डर लग रहा है। पर मुझे इस लॉकेट के बारे में बताओ। अंजलि, तुम्हें याद है सत्यनारायण की कथा वाले दिन तुमने मुझे फोन पे बात करते सुन लिया था और तुम्हें मुझ पे शक हो गया था, लेकिन फिर जब सच सामने आया तो कुछ का कुछ हो गया था। तुम अभी किस घर की बर्बादी के बारे में बात कर रहे थे? मैंने पूछा कौन से घर की बर्बादी के बारे में बात हो रही थी। इसलिए मुझे सिर्फ 2 घंटे का समय, जब सारी चीजें बदल चुकी होंगी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जहर है। What? कौन करेगा ऐसा? प्रसाद में जहर कौन मिलाएगा? बताओ युवराज, कौन है वो इंसान जिसने अवंतिका के प्रसाद में जहर मिला है? जो प्रसाद बांट रहा है वही वो इंसान। इसमें सार्कास्टिक होने वाली कौन सी बात है? अरे लड़का अच्छा है, हम सबको पसंद है, अंजलि को पसंद है, युवराज को अंजलि पसंद है, तो प्रॉब्लम क्या है? सगाई होने दो ना।
यवराज मैं समझती हूँ पर अंजलि भरोसा रखो मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। ठीक है तुम्हारे इस प्यार के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे इस प्यार ने तो मुझे मेरे जीवन की राह दिखाई अब इसी राह पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा। बहुत इंतजार किया मैंने इस पल के लिए बहुत तड़पा हूं मैं इस पल के लिए अब और इंतजार नहीं बस कुछ ही दिन के बाद और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। किसी तबियत है? ठीक है। दवाई ली? हाँ। एक बात करनी थी तुमसे सुबह वक्त नहीं मिला लेकिन तुम्हारे मशवरे के बिना मैंने एक डिसीजन लिया है। यही ना कि आपने युवराज की बिजनेस पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर ली लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही नहीं युवराज ने घर में सबको बता कर रखा इस बारे में। मैं जानता था तुम्हें बात अच्छी नहीं लगेगी इसीलिए मुझे लगा कि मिल के आराम से बात करूंगा तुमसे। मुझे अच्छी क्यों नहीं लगेगी सिद्धार्थ मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आपके लिए जो डिसीजन सही है आप वही लीजिए। अवंतिका मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अरे लड़का हमारी नजरों के सामने है 24 घंटे हमारे घर में रहता है हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता है उसके बिहेवियर को देख के हमें से किसी को ऐसा नहीं लगता कि उस पर शक किया जाए। और उसी भरोसे पे मैंने पार्टनरशिप के पेपर्स तैयार करा लिए क्या गलत किया? मम्मी का भी यही नजरिया इसीलिए उन्होंने युवराज से रिश्ते की बात भी कर ली है और उनकी सगाई भी फिक्स हो गई। इसमें सार्कास्टिक होने वाली कौन सी बात है? अरे लड़का अच्छा है हम सबको पसंद है अंजलि को पसंद है युवराज को अंजलि पसंद है तो प्रॉब्लम क्या है सगाई होने दो ना। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी आंखों को खटक रहा है वो बताओ मुझे। कुछ बात है ऐसी युवराज के बारे में कल को जाकर अगर अंजलि को कोई तकलीफ होगी तो क्या आपको मुझे या घर में किसी को भी अच्छा लगेगा क्या ठीक लगेगा? अभी क्या सवाल हुआ वंतिका? अच्छा चलो मान लेते हैं कि युवराज गलत है ओके उसको कटघरे में डालते हैं हु? अब मुझे ये बताओ उसने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उससे बताओ मुझे। ठीक है जब मैं बिंदिया के साथ ऊपर कमरे में आई थी अभी हम जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो तुम ध्यान से सुनो। ये वही आदमी है जो तुम्हें धमकी भरे फोन करता था या किसी और से करवाता था। अवंतिका ये वही आदमी है जिसने सिद्धार्थ जी का एक्सीडेंट करवाया था। अवंतिका क्या हो गया है तुम्हें? What's wrong with you? तुम उस धोखेबाज लड़की की बातों में आ रही हो उस पे भरोसा कर रही हो? अरे उसने तो मामा मामी के खिलाफ भी कहा उन्हें भी घर से निकाल दें। सिद्धार्थ आप समझ अरे नहीं रहे। तुम समझो अवंतिका युवराज ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी इसलिए वो युवराज पे ब्लेम कर रही है क्यों नहीं दिख रही है तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो और देखो अवंतिका। अवंतिका प्लीज प्लीज जब तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होना प्लीज उसके खिलाफ कुछ मत कहो प्लीज शांति बनाओ यार घर में। अगर सबूत जरूरी है तो मैं जुटाऊंगी युवराज के खिलाफ सबूत लेकिन उसके चेहरे से ही पर्दा हटाना जरूरी है।
बहुत जरूरी। आदमियों के थाली के बैगन, कभी इसकी तरफ कभी मेरी तरफ। जो मैं कह रहा हूं वो भी सही है, जो ये कह रही है वो भी सही है। जी पंडित जी, पंचांग जरा अच्छी तरह देखिएगा, सगाई का मामला है ना। हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो फिर कल का दिन ही पक्का कर लेती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ मैं बाकी तैयारी कर लूंगी। जी जी जी, नमस्ते। सुनिए, कल का मुहूर्त है, उसके बाद एक महीने तक शुभ मुहूर्त है ही नहीं, इसलिए हमें कल ही सगाई की रस्म पूरी करनी होगी। अरे बिल्कुल अच्छी बात है, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कल का कल करिए, अच्छी बात है। कल की कल सगाई, तो कुछ दिन रुका नहीं जा सकता। अरे हाँ जीजा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महीने भर बाद होगी, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए। शंभू, तुम आदमियों के थाली के बैगन, कभी इसकी तरफ कभी मेरी तरफ। जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है, जो ये कह रही है वो भी सही है। मैं तो भले की ही बात कर रहा था ना। अरे तुम्हारे जीजा जी कह कुछ और रहे हैं और मैं कुछ और कह रही हूँ, तो दोनों सही कैसे हो सकते? सुनिए जी, जब फैसला हो ही गया है तो शुभ काम पर टाल क्यों रहे? फैसला हो नहीं गया, तुमने किया। जरा सोचो, इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी? अरे क्यों नहीं, शंभू है ना, शंभू है, केतकी है, ये दोनों मदद कर देंगे, है ना? बिल्कुल, हम है ना, आखिर हम है यहाँ किस लिए, करेंगे। सुनिए, क्या हो गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये बेटी की सगाई है और इसमें आप मुंह फुलाकर बैठे। मेरी बात तुम मानोगे नहीं, और अवंतिका जो कहेगी उसका उल्टा ही करो। कम से कम घर में सिद्धार्थ है, अंजलि है, उन लोगों से कोई सलाह मशवरा कर लो। आप ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कब आपकी बात नहीं मानी? सबसे सलाह लेकर ही चलती हूँ ना मैं। ठीक है, तो अभी मैं अंजलि, सिद्धार्थ और युवराज से बात कर लेती हूँ। लोग अपने एंगेजमेंट में अपनी मंगेतर को महंगी महंगी सुंदर सुंदर ज्वेलरी देते हैं, और तुम उसे ये घिसा पिटासा लॉकेट दे रहे हो? हाँ, वो ये मेरी माँ की निशानी है। माँ की निशानी? तो माँ की निशानी में फोटो किसकी है?